Hello, Jain students, how are you all? Hope you all are fine. Students, you know that we are reading chapter 5, subtraction, and today we will solve. Today our topic is subtraction of 4-digit number without voice. आज हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 4-डिजिट नंबर विदाउट वॉय. ओके, बिना कैरी का हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे क्या करना है. एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल सब्ट्रैक्ट 4732. तो सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? फ्रॉम 6823. ओके फ्रॉम. ओके बेटा, अब देखिए करना क्या है. पहले हम राइट करेंगे यहाँ 6853 राइट कर लिए. इसके नीचे लिखेंगे 4732 सब्ट्रैक्ट. स्टेप क्या होगा आपका? स्टेप सॉल्व करने का स्टेप क्या होगा? स्टेप फर्स्ट, स्टेप वन कर रहा है. सब्ट्रैक्ट वन, सब्ट्रैक्ट द वंस. पहले हम वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. वंस क्या है? ये वंस पोजीशन पे ये है, ठीक है. तो 3 - 2 = 1 आ गया. अब हम क्या करेंगे? वन को राइट करेंगे. क्या? वन को राइट करें. राइट वन अंडर वंस का क्या करना है? राइट वन अंडर वंस का. अब वन को ये जो आया है 3 - 2 किए हैं तो वन आया है. पहले किसको सब्ट्रैक्ट किए हैं? वंस को. तो क्या आया है? 3 - 2. यहाँ देखिए 3 - 2 तो वन आया है. अगर राइट वन अंडर वंस कॉलम, वन वंस के कॉलम में हमें क्या लिखना है? वन लिखना है. ये किसका कॉलम है? ऐसे बना दीजिए, ये ऐसा होता है ना, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है, ठीक है. और वंस के कॉलम में क्या लिखेंगे? वन लिखेंगे. क्या लिखेंगे? वन लिखेंगे. वन. ओके, वन राइट कर दिया. अब नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, स्टेप टू, स्टेप टू कर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट द टेंस, द टेंस. अब टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. टेंस को जो प्लस का है ना उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 - 3 = 1 सॉरी 2. 5 - 3 = 2 राइट. अब क्या करेंगे? राइट करेंगे ना, राइट 2 अंडर टेंस. अब टेंस के नीचे 2 लिखेंगे, ठीक ना बेटा. टेंस के नीचे अंडर टेंस कॉलम, टेंस कॉलम लिख लीजिए, ठीक है. अब टेंस कॉलम के नीचे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे. यहाँ क्या होगा? 2. स्टेप वाइज चलना है बस. बहुत सिंपल है, सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप कैसा होगा ये हम देख रहे हैं, ठीक है. स्टेप था, स्टेप था बेटा 100. सब्ट्रैक्ट 100. अब 100 के प्लेस पे जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 - 7 = 1 आ गया. अब क्या कर रहा है? राइट
Rice one under 100 square. Under 100 100 square. 100 कॉलम के नीचे क्या लिखना है? 1 लिखना है. यहां 1 लिख दिया. ठीक है, स्टेप 4 चलते हैं. स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 1000. सब्ट्रैक्ट 1000. सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू आ गया. राइट टू अंडर थाउजेंड्स का थाउजेंड्स का. अब क्या करेंगे होगा, ये जो टू है ये थाउजेंड्स के कॉलम में हम राइट करेंगे. ये हमारा क्या होगा, 2121 पे आया आंसर है. 2121 क्या आंसर है. ओके, समझ में आया आपको. इस प्रकार से जितने भी इसमें एक्सरसाइज है, लेट्स ट्राई प्लीज, में जो भी एक्सरसाइजेज है आप लोग करिएगा. ठीक है, ये स्टेप आपका यही रहेगा, सिंपल स्टेप है. पहले हम वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर टेंस को, फिर हंड्रेड को, फिर थाउजेंड को. इधर से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे बेटा, अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे. ओके, तो लेट्स ट्राई थ्री आप लोग करिएगा. लेट्स ट्राई थ्री होमवर्क में करिएगा. और एक क्वेश्चन है इधर बैक साइड में, क्वेश्चन नंबर टू. लेट क्वेश्चन नंबर टू है लेट्स ट्राई टू का. लेट्स ट्राई, लेट्स टू का क्वेश्चन है. टू है, इसको भी करिएगा. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.